और ये है हमारे गणपति जी। और बस हमारी ये थालियां लग चुकी हैं पूजा के लिए। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सभी? और बस आप सब अच्छे ही हुए। और बस आज है गणेश चतुर्थी और बस ये हमारे गणपति और ये हमारा सामान लग चुका है और बस सब पूजा की तैयारी में ही लगे हुए हैं हम। और बस चलो करते हैं पूजा। और ये हमारा मंदिर सज चुका है गणपति जी के लिए और ये पटा भी लग चुका है क्योंकि हमारी पूजा के नीचे अलमारी है तो बस उसी में हम विराजमान करेंगे अपने गणपति जी को। और बस ये पीला वस्त्र बिछा दिया मैंने और बस ये थोड़े से चावल रख दिए मैंने। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा ये फूल थे तो बस ये मैंने थोड़ा सा तोड़ लिए थे। बस ये हमारा स्वास्थ्य बन गया, इसे साथिया भी बोलते हैं। तो बस गणपति जी को इन्हीं पर विराजमान करेंगे। और ये केले के पत्ते हैं तो बस इन्हीं से मंडप बना रहे थे हम। और बस कुछ कनेर के पेड़ वगैरह भी पौधे हैं तो बस ये कुछ घर पे ही लगे हुए हैं तो हमने घर से ही तोड़ लिए थे मैंने, कुछ बाज़ार से लेके आ गए थे तो बस इन्हीं से मंडप बना रहे थे। और इसी में दूबा है और दूबा गणपति जी को जरूरी ही चढ़ाई जाती है क्योंकि उनकी पूजा में दूबा जरूरी लगती है और बस ये मंडप बना रहे थे हम। और ये हमारा कलश लग चुका और बस ये मैंने कलश ले लिया था तो इसमें मैंने आम के और अशोक के पत्ते लगा दिए थे क्योंकि भगवान जी की पूजा कोई भी हो उसमें कलश जरूर स्थापित होता है। तो बस ये हमारा कलश भी लग चुका था और अशोक के या आम के पत्ते कौन से भी लगा लो दोनों ही सही रहते हैं। तो बस ये हमारे गणपति जी का भी मंडप सज गया और हरी हरी घास से आसपास लगा के कितने अच्छे लग रहे थे। तो बस अब इनको तिलक करेंगे और इनका अच्छे से पूजन करेंगे तो फल फूल जो भी है लड्डू वगैरह सब इनका भोग भी लगाएंगे। और बस यह जनेऊ तो गणपति जी को जनेऊ पहना देते हैं क्योंकि गणपति जी को जनेऊ भी जरूरी पहनता है। और बस ये हमारी थाली आ चुकी, अब करेंगे गणपति जी को तिलक। तो बस ये मैंने दूबा से जल छिड़क दिया उनको, थोड़ा सा जल में मैंने गंगा जल भी डाल दिया था। तो बस ये तिलक कर देते हैं, चावल लगा देते हैं, इनका भोग भी लगा देंगे। और ये गणपति हमारे मिट्टी के हैं क्योंकि मिट्टी के ही गणेश जी होना चाहिए। गणपति जी को जब अपन विसर्जन करते हैं तो बस वो अच्छे से गल जाएं तो वो ही सही रहते हैं। पीओपी के तो गणपति गलते नहीं हैं तो थोड़ा और थोड़ा पाप सा लगता है तो बस मिट्टी के ही होना चाहिए गणपति जी तो। और साथ में रिद्धि सिद्धि जी हैं तो उनके भी तिलक कर देते हैं, चावल लगा देते हैं क्योंकि उनकी पत्नियां हैं तो उनको भी जरूरी है पूजा पाठ करना। उनको
और बस इनको माला भी पहना देती है। और यहाँ साक्षी भी कर रही थी गणपति जी की पूजा, तो मैंने कहा तू भी कर ले, तो बस ये पूजा कर रही थी यहाँ। और बस पूजा हमारी हो चुकी, तो देखिए हमारे गणपति बप्पा मोरिया।